बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वो कल हमारे लिए आए, वो कंट्रीब्यूशन हमारे लिए आ रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि रिजिग्नेशन दे दिया है उनकी हेल्प की वजह से, प्रोवोस्ट ने रिजिग्नेशन लेटर दे दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि वीसी सर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं रिजिग्नेशन लेटर। प्रोवोस्ट ने हमें ये बोला है कि 3 बार रिजिग्नेशन लेटर ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन ऐसा क्या रीजन है जो हम उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? हम सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपको क्यों चाहिए, आपको रिजिग्नेशन क्यों चाहिए? हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपके पास 4 बार रिजिग्नेशन लेटर गया, तो आप क्यों उनको रिजाइन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? हमारा मसला हमारा कि जब आईजी की लड़कियां, उन्हें कोई बड़ा मसला है ही नहीं, आईजी की लड़कियां जब उन्हें एज अ प्रोवोस्ट नहीं चाहती तो कोई बड़ा मसला नहीं है आपको उन्हें हटाने में। स्टूडेंट्स को सर्व कर लेगा अगर स्टूडेंट सैटिस्फाइड है, देखिए शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, वो जब होता है तब वो रिजिग्नेशन भेज देती है, एंड वी डोंट इवन नो कि ऐसा उन्होंने करा भी है या नहीं करा है, क्योंकि वो हर 2 मिनट में अपना स्टेटमेंट बदलती है, शी इज सो मैनिपुलेटिव। लेकिन अब बस सीधे सीधे जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा कि यू कैन प्रोटेस्ट एंड वी कैन पुट अप आवर इश्यूज, तो हम सीधे सीधे डिमांड कर रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोवोस्ट नहीं चाहिए जो कि इतनी ज़्यादा मॉन्स्ट्रस करप्ट और इतना ज़्यादा उसका ऐसा बिहेवियर हो जो हमारे साथ वो रखती हैं, जो मिसबिहेविंग करती हैं वो। तो प्लीज वीसी सर आप क्यों एक्ट नहीं कर रहे हैं जबकि उनके पास रिजिग्नेशन जा चुका है? क्या ये सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, करीब हर रोज जब भी शाम में हम लोग मीटिंग करते हैं और सब लोग इकट्ठा आते हैं तो 400-500 गर्ल्स यहाँ पर होती हैं, वो सब यही चाहती हैं कि प्रोवोस्ट रिजाइन कर दें, तो अब क्या ये वॉइस सफिशिएंट नहीं है कि प्रोवोस्ट रिजाइन कर दें? ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं आ रही है जस्ट बिकॉज उन्हें डर है कि प्रोवोस्ट उनके अगेंस्ट कुछ करेंगे, बिकॉज पास्ट में ऐसा हो चुका है कि प्रोवोस्ट ने एक्शन लिए, लीगल एक्शन, लोगों को डराया है, ऐलान किया है, कन्फेशन लेटर लिखवाया है, घर पे भेजा है, पेरेंट्स को बुलाया है, बहुत साइट पे एक्सपेल, जो कि उनकी आज अथॉरिटी आज जो फाइनल किया है, बात जो आज हुई।